हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लूम ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं और कुछ ही सेकंड में ये हमें हमारा रिजल्ट या हमें हमारा आंसर हमें शो कर देता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ सभी इंटरनेट यूज़र्स करते हैं। इसके थ्रू हम कुछ भी सर्च करके कुछ ही सेकंड में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज़ हम अपने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर पर कहीं भी कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, जैसा कि वेब ब्राउज़र के वर्ड से ही पता चल रहा है कि वेब का मतलब है इंटरनेट और ब्राउज़र का मतलब है कुछ भी सर्च करना। मीन्स इंटरनेट के वर्ल्ड में जाके किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करना और वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रह रहे लोगों को हर चीज़ की इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मिल सके, इसीलिए वेब ब्राउज़र को बनाया गया है। ये एक डिवाइस में इंस्टॉल होकर रहता है। इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं फ्रेंड्स। विदाउट इंटरनेट के हम वेब ब्राउज़र का यूज़ नहीं कर सकते और विदाउट वेब ब्राउज़र इंटरनेट हमारा किसी काम का नहीं है फ्रेंड्स, वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाइप ऑफ ब्राउज़र्स की। हमारे पास कुछ टाइप ऑफ ब्राउज़र्स हैं, उनमें से कुछ है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, लाइनक्स एंड यूसी ब्राउज़र। तो कुछ हमारे पास ऐसे ही टाइप ऑफ ब्राउज़र्स हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्वर्स का एक सिस्टम है जो फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है। वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम काफ़ी सारे वेब पेज को देख पाते हैं फ्रेंड्स, जो कि वेब प्रोटोकॉल से बने होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स। वेब ब्राउज़र को हमारी बात समझने के लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है और उस लैंग्वेज की कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। HTTP वेब सर्वर को ये बताता है कि वेब पेज की कंटेंट को फॉर्मेट और ट्रांसमिट करना है और यूज़र के थ्रू दी गई कमांड पर रिएक्ट करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र दोनों को क्या करना है। HTTP की हेल्प से वेब क्लाइंट्स और वेब सर्वर को एक दूसरे से कनेक्ट होने की परमिशन मिल जाती है फ्रेंड्स। जब यूज़र ब्राउज़र के एड्रेस बार पर एक वेब एड्रेस डालता है तब ब्राउज़र उसकी रिक्वेस्ट को एज अ कमांड HTTP वेब सर्वर को सेंड करता है। उसके बाद ब्राउज़र उस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से रिक्वेस्टेड वेब पेज को निकाल कर यूज़र के ब्राउज़र में सारे इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। तो इस तरह से वेब ब्राउज़र काम करता है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।